चल रही है। कहते हैं ना हमारे देश में की कमी नहीं है, है? क्या बोलती पब्लिक, मतलब भैया क्या कह रहे हो लड़के, क्या कह रहे हो? तो आज है 31st ना भाई, लॉकडाउन के। और मैं और भाई आज निकले अपनी गाड़ी में, और हम कहाँ जा रहे हैं इससे पहले कि आप उल्टे सीधे कमेंट करना शुरू करो। सो हम जा रहे हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड को अथॉरिटी लेटर देने, और अथॉरिटी किस चीज की? सो दैट ही कैन परफॉर्म ड्यूटी, ही कैन सिक्योर द प्रीमाइसेस वेयर ही इज वर्किंग। जैसे कि आपको बता दूं कि यार हमारा काम भी पुलिस वालों से कम नहीं है, बस वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो एक पब्लिक सेक्टर है, और हमारा जो है प्राइवेट सेक्टर है। वी आर एंटरप्रेन्योर ऑफ ए प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी कपाल एश्योरेंस एंड डिटेक्शन कैट सिक्योरिटी। तो भैया हमारा काम बन नहीं हुआ यार, हमारा गार्ड्स भी काम कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं, बट हाँ जब से लॉकडाउन हमारे पीएम ने अनाउंस किया, पूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। उसके बाद आज हम पहली बार निकल रहे हैं बाहर, और जरूरी है वो। तुमने मास्क हटा रखा है भाई गाड़ी में ना? ओके ओके ओके। तो यार अब आपको दिल्ली का कुछ हाल दिखाता हूँ। सी द रोड यार, मतलब क्या कह रहे हो भाई, क्या कह रहे हो? मतलब बिल्कुल वेकेंट रोड है यार, ना बंदा ना बंदे की जान। एक आध बंदा आपको जो दिख रहा है, जैसे ये साइकिल पे जा रहे हैं भाई साहब हमारे, ये भी कुछ काम करने जा रहे होंगे। एक ये बेचारे मजदूर लोग, इनके ऊपर बहुत मेरे को बुरा लगता है यार, मतलब ये लोग अभी भी काम कर रहे हैं जोमेटो इस बुरे टाइम में, जोमेटो वाले। तो बेसिकली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स गोकुलपुरी, और ये आगे रोड ब्लॉक कर रखा है या रोका हुआ है? ब्लॉक है, है? या जाने दिया, पास काम आ गया। हाँ वो पास काम आ गया अपना जो आगे लगा रखा है। तो बेसिकली यार अभी हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? गोकुलपुरी। गोकुलपुरी जा रहे हैं, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है, वो काफ़ी टाइम से पोस्ट पे नहीं जा पा रहा था बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। ही इज नॉट हैविंग द आईडी कार्ड राइट नाउ बिकॉज अभी लेटर सिक्योर्ड हुआ था। तो अभी हम उसको अथॉरिटी लेटर देने जा रहे हैं, और आपको दिखाऊंगा यार दिल्ली की रोड्स का हाल। और क्या राइट नाउ वी आर एट ऑन द वे टू कमला नगर। ये कमला नगर का रोड है यार, और देखो मतलब ये वो रोड है जो खचाखच बोले तो बिल्कुल भरी होती थी बुरी तरह, और आज हाल देखो यार यहाँ का। और भाई कैसा लग रहा है पांच दिन बाद, नॉट पांच दिन बाद, ऐसे तो लॉकडाउन तो हम सात आठ नौ दिन से ही है। हाँ, और यू फीलिंग? मतलब भाई अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। तुम्हें डेज याद रहे इतने दिनों में? मतलब कब संडे आया, कब मंडे आया, कब सैटरडे निकल गया, सारे डे कैसे लग रहे हैं? मतलब यार कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। तो अभी फटाफट थोड़ा सा आगे चलते हैं, दोबारा मिलते हैं किसी दूसरी लोकेशन पे। बने रहिए यार, मैंने कहा बना देते हैं ब्लॉग, क्या जा रहा है? आपको भी तो दिल्ली की सिचुएशन का पता होना चाहिए ना। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आपको पता होना चाहिए, देखो यार हमारे पास पास है, हमारे पास अथॉरिटी है, हम बिकॉज वी आर फ्रॉम सिक्योरिटी एजेंसी। तो आप लोग बिल्कुल यार बाहर ना निकले यार, पुलिस रोक रही है। और सीरियसली मैंने दिल्ली में देखा है, अभी नहीं, दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग द लाठी चार्ज, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज बाहर मत निकलना, ये एक छोटा सा अपडेट था, मैंने कहा आपको दे दूं। तो यहाँ सोचो कि भाई देखो विख्यात निकल रहा है तो हम भी निकलते हैं, हम भी निकल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो प्लीज ना निकलो यार, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, और मास्क वगैरह पहन के निकलो। अगर आपको पुलिस की फ्री मसाज चाहिए तो आप निकल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल फ्री मसाज मिल रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और बहुत अच्छी सैनिटाइज मसाज, डंडे भी सैनिटाइज किए गए हैं, क्या कह रहे हो? तो बने रहो वीडियो में, देखो आगे। 7.3 किलोमीटर इन 11 मिनट्स, कभी सोचा तो ऐसा होगा दिल्ली, मतलब 7 किलोमीटर कवर करने में सिर्फ 11 मिनट लगेंगे, कमाल। मतलब जो एक एवरेज टाइम था पहले, अगर हम पहले की बात कर रहे हैं, इस रूट पे क्या दिल्ली किसी भी रूट है भाई, अगर हम दिल्ली के किसी भी रूट की बात करें, अगर जो एवरेज टाइम था एक 7 किलोमीटर कवर करने का, वो अराउंड 45-50 मिनट हुआ करता था, बिल्कुल राइट। और अभी जो गूगल आंटी हमको दिखा रही है, वो हमको दिखा रही है 7 किलोमीटर हम 10 मिनट में कवर करेंगे। अब देखते हैं, बाकी मैं आपको दिखाता जाता हूँ रोड की कंडीशन क्या है,
जो अगर हम बात करें लोगों में समझ थोड़ी होती आई है, ये थोड़ा स्लम एरिया है तो आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखेगा, लोग वगैरह थोड़ा दिखेंगे, इतने नहीं हल्के फुल्के, बट लोगों में समझ आई है, रोड्स आपको दिख ही रही हैं कैसी हैं। और बेसिकली यार ये व्लॉग बनाने का कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं था कि हाँ ये बनाना है, पर ये दिखाना था कि बाकी ब्लॉगर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मेरा था कि हाँ मेरे पास अगर अथॉरिटी है तो मैं आपको दिखाऊं कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ आर दिल्ली, ऑफ आर जहाँ दिल्ली दिल वालों की, तो कुछ इस टाइप का है हमारा दिल्ली इस टाइम। और मगर इस लॉकडाउन का सबसे एक अच्छा पॉइंट ये है, मानता हूँ कोरोना बहुत बुरा है, मगर कोरोना से पहले ये देखो यार ये बच्चे, मतलब यार लोगों को अभी भी समझ नहीं आएगा सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, व्हाट दे आर डूइंग, मतलब कमाल है यार, मतलब लड़ रहे हैं, कहते हैं ना हमारे देश में की कमी नहीं है, है? सीरियस बात है भाई, बिल्कुल बाबा, हम चुनौतियों से डरते हैं। सही क्या राइडर की बात की नहीं, बिल्कुल राइडर की बात ही है, राइडर भाई सही कह रहे हो, चुनौतियों से डर नहीं लगता, डर लगता है, और ये उन्हीं टाइप के हैं, और ये हैं, ये बहुत बड़े वाले हैं यार, ये बहुत बड़े वाले हैं, देखते रे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कुछ भी कहो यार कलाकारी है ये, हैं? ये पूरा ब्रिज इनके ऊपर टिका हुआ है अगर देखा जाए तो, हैं? हाँ जो भी है ये, मतलब जिसको अगर पता हो यार ये क्या चीज है तो प्लीज बताना यार, तो ये पूरा ब्रिज इसके ऊपर टिका हुआ है, कमाल है यार इंजीनियर्स का, है? तो बेसिकली यार फटाफट से भजनपुरा पहुंचते हैं, अपने गार्ड से मिलते हैं और वहां पे दोबारा आपसे कनेक्ट होते हैं, मिलवाते हैं अपने गार्ड से भी यार, क्या कह रहे हो। सो गाइस फाइनली रीच, और वो आ रहे हैं हमारे सिक्योरिटी गार्ड, इनका नाम भर देते हैं, तो इस टाइप का कुछ हमने बनाया है ये अथॉरिटी लेटर जिससे ये अपना ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं, ये वाला, ये पैसे ही मांगेगा मेरे को लग रहा है। आपका पूरा नाम क्या लिखते हो? अजीत सिंह लिखता हूँ। अच्छा ये लो, सारे मानेंगे भी तो, इससे तो सब मानेंगे, कंपनी के लेटर हेड पे दे रहा हूँ कोई, वो प्लेन पेपर पे खरीद रहा हूँ, यहाँ पे ये अपनी फोटो को ऐसे करके लगा लेना, लगा लूंगा वो घर, ठीक है ना? हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, स्टैम्प मार दी, साइन कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर लिख दिया है कि अजीत कुमार सिंह जो है, वो हो जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं ऐसा है ना, नहीं कटेगा, पैसे नहीं कटेंगे, पैसे पूरे मिलेंगे, बच्चे मना कर रहे हैं वैसे, ईमानदारी से ये कह रहे हैं कि आप पापा जी मना कर दो ना, बीमारी तो आप ही देख रहे हो क्या हालत हो रही है, मतलब देखो ऐसा है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्या कहो बेटा, मैं आपको पास आके मत खड़े हो किसी के भी, सब तो एक मीटर की दूरी पे कह रहे हो, ऐसा है जीत जी, किसी से हाथ ना मिलाओ, नहीं हाथ तो मतलब ही सुन, मोदी जी क्या कहते हैं, जय राम जी की, तो हाथ नहीं मिलाना, मुंह पे रखना है, बीमारी छू नहीं, ये हवा में नहीं है बीमारी, तो कहीं बाहर दूध लेने भी जाता हूँ ना, सब्जी लेने रुमाल वार बाहर के ही निकलता हूँ, घर से बाहर निकलते ही नहीं, बाकी अजीत सिंह आपको बता दूं, भोले का नाम लो, हमारे को कुछ नहीं होगा, जब तक भोले बाबा का नाम जो जो लेता रहेगा ना, उसको कुछ नहीं हो सकता, मैं लिख के दे रहा हूँ, चलो वही नाला, ठीक है चलो, ओके ओके जी, तो भाई अपना तो काम हो गया कंप्लीट, तो वी गिव द अथॉरिटी लेटर टू, एक सेकेंड, वी गिव अथॉरिटी लेटर टू अजीत सिंह आर सिक्योरिटी पर्सन, तो आपको दिल्ली का हाल भी दिखा दिया, दिल्ली की जो बड़े बड़े सी हैं ये भी दिखा दिए, कहीं लोग समझ गए हैं जो एरिया सही है, और कहीं आपने देखे कितने बड़े बड़े सी में हैं, तो बेसिकली यार ये ब्लॉग ये था कि यार थोड़ा आप दिल्ली बाहर का घूम लोगे
और आपको भी दिखा देंगे यहाँ से कुछ चल रही है सुनाई, और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। आप लोगों के साथ मैंने ये और किसी बढ़िया से ब्लॉग में, बढ़िया तो यार देखो जब तक तो नहीं होगा जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, बट हाँ कोशिश पूरी रहेगी कि अच्छे से अच्छा ब्लॉग बना लूँ आपके लिए जब तक हम घर में हैं, जब तक हम लॉकडाउन है। सो विद दैट सेड वी आर एंडिंग दिस ब्लॉग राइट हियर राइट नाउ विद यू लवली पीपल, विद यू बॉम्बास्टिक पीपल, विद यू सोफिस्टिकेटेड पीपल हु इज वॉचिंग अस राइट नाउ। और वही बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑलवेज वियर ऑलवेज सैनिटाइज योर हैंड्स, और हमेशा मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। जो ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं इनसे बच के रहो, इनसे दूर रहो। तो कैसे लोगों से बच के रहो, अभी बिरयानी भी खा रहे हैं, क्या कह रहे हो तो पता नहीं बिरयानी खाने आ कौन रहा है। तो हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करो, आदर करो, और मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया से ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू ऑल, लव यू ऑल, हम दोनों की तरफ।